गुड इवनिंग एवरीवन, इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है। सो द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग पीवाईक्यूज ऑफ जेके एस एस बी जेई। पीवाईक्यूज कर रहे थे, मेरे ख्याल से 40 प्रॉब्लम्स हमने कर लिए थे इस पेपर के भी। 40 ऑफ द प्रॉब्लम्स वी हैव डन। सो वी विल ट्राई टू कवर मोर प्रॉब्लम्स टुडे। आज कोशिश करेंगे कि 20 से ज़्यादा सवाल हो। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं। वी बेसिक अनाउंसमेंट प्रायर टू दैट, ऑन सब्सक्रिप्शन ऑफ 24 मंथ एडिशनल 4 मंथ इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर गेट एंड ईएससी। On subscription of 12 month, additional 3 month is being provided for GATE and ESC. Then for GATE and ESC iconic subscription, additional features are being clubbed like personalized coach, one-to-one live mentorship, online study material, priority in ask a doubt, study booster session, all the other benefits of the plus are also there. Then for GATE 24, GATE 23, ESC 24, ESC 23, 9 March ko ek bilingual batch launch ho raha hai. Topic which is starting is highway engineering. टॉपिक जो स्टार्ट हो रही है, हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट हो रही है। देन स्पेशल क्लास में आपका नया कोर्स भी लॉन्च कर दिया, ब्रिज इंजीनियरिंग। इसकी 3-4 क्लासे हो गई हैं। तो जो भी AEJEE के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ब्रिज इंजीनियरिंग है, कैन सी दिस कोर्स ऑल्सो। नेक्स्ट, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, इनके लिए भी कोर्स लॉन्च किया था 2 फरवरी को। इसमें टेक्निकल पोर्शन मैंने कंप्लीट करा दिया है। नॉन टेक के लिए 28 को बैच लॉन्च कर दिया है। तो आपका टेक्निकल नॉन टेक दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 200 प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड फॉर प्रैक्टिस। 200 के आसपास सवाल दिए प्रैक्टिस के लिए। 150 सवाल तो मैंने सबमिट कर दिए। 50 प्रॉब्लम्स पूरे सिलेबस से बना के, जिनका लेवल कंपेरेटिवली अच्छा है, वो भी अभी मैं सबमिट कर दूंगा। दैट ऑल्सो आई विल बी प्रोवाइडिंग। तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट से अब आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी स्लाइड थी? 12th यानी 52 पे जाना पड़ेगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। मेरे ख्याल से लास्ट प्रॉब्लम था हमारा। दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम दैट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। आखिरी क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। कंटिन्यू करते हैं इसी के आगे। सो विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। चलिए देखिए, इफ द इरीगेशन एफिशियंसी इज 80%, कन्वेंस लॉसेज आर 20% एंड द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द वाटरिंग इज 16 सेंटीमीटर, द डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड इन सेंटीमीटर एट द कैनाल आउटलेट। कितना पानी चाहिए कैनाल के आउटलेट पे? तो ये कैनाल है हमारा, कैनाल है, ये कैनाल की इनलेट है, ये आउटलेट है। इसमें हमारा लॉसेज होता है वेपोरेशन लॉस, सीपेज लॉस। फिर इसके बाद हम फील्ड में पानी अप्लाई करते हैं, इसमें भी कुछ पानी लॉस हो जाता है रन ऑफ में, और कुछ पानी यूज़ होता है इरीगेशन के लिए। कितना पानी यूज़ हुआ इरीगेशन के लिए? 16 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड एट द कैनाल आउटलेट, तो कैनाल के आउटलेट पे कितना पानी चाहिए होगा मुझे? तो 16 सेंटीमीटर तो प्लांट ने यूज़ कर लिया, और 80% आपकी इरीगेशन की एफिशिएंसी है। तो 80% अगर इरीगेशन की एफिशिएंसी है, इसका मतलब कितना पानी सप्लाई करना पड़ेगा आपको? 20 सेंटीमीटर। वाह, ये देखो सब 25 सेंटीमीटर वाले, गजब, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ समझना नहीं है, स्टैंडर्ड सवाल आ जाए तो आंसर बता देंगे। जहां थोड़ा सा भी घुमा दे, तो जहां थोड़ा सा भी सवाल घुमा दे वहां बस। ये देखो 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। अरे भैया 20 सेंटीमीटर है, कैनाल के आउटलेट पे पूछ रहा है। इसलिए बना के दिखाया था डायग्राम। ये डायग्राम बनाने के पीछे रीजन ही मेरा ये था। सो द वाटर रिक्वायर्ड व्हिच इज एट द आउटलेट ऑफ द कैनाल इज ओनली 20 सेंटीमीटर। 80% एफिशिएंसी दे रखी है, 16% पानी स्टोर हो जाएगा। अगर वो बोलता कि कितना पानी चाहिए हमें इनलेट पे, तब मैं कन्वेंस लॉस लूंगा ना। अभी कहेगा कन्वेंस लॉस ले लिया जाएगा, अभी थोड़ी कंसिडर करना है मुझे कन्वेंस लॉस। इनलेट पे बोलता या हेड पे बोलता कि हेड पे कितना पानी होना चाहिए, तो यहाँ पर
20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है, इसका 20% लॉस हो रहा है, 20% इज गेटिंग लॉस्ट। यहाँ पर आपको 25 सेंटीमीटर चाहिए, इसमें भी 20% लॉस हो रहा है, 20% इज गेटिंग लॉस्ट। भाई मुझे आंसर की का नहीं पता, और इस बात का मतलब क्या है कि सर जेके एसएसबी के आंसर की में यही थी, मतलब क्या करूं उसमें, आंसर की में यही था, पेपर में आंसर की लेके जाऊंगा मैं वहां पे। आंसर की में यही था। When the water river flows in two or more channel around the alluvial island, it is known as river flows in two or more channel islands around the alluvial islands। ठीक है, दो और मोर चैनल में फ्लो कर रही है, तो नदी फ्लो कर रही है दो या दो से ज्यादा चैनल के अंदर, तो ये नदी फ्लो कर रही है दो या दो से ज्यादा चैनल के अंदर। स्टेबल रिवर डिग्रेडिंग में तो स्लोप घट रही है, अग्रेडिंग में बढ़ रही है, दिस इज टर्म्ड एज ग्रेडेड रिवर। सो व्हेन द रिवर फ्लोज इन टू और मोर चैनल ऑब्जर्व्ड इन द एलुवियल आइलैंड इट इज नोन एज, इसको टेक्निकली ग्रेडेड रिवर बोला जाता है। जो ग्रेडेड पैटर्न होता है इन रिवर, इट डेवलप्स आफ्टर वॉट, इट डेवलप्स आफ्टर द लोकल डिपोजिशन। अगर कोई लोकल डिपोजिशन हो जाए कोर्स मटीरियल की, उसके बाद आपको ग्रेडेड रिवर मिलेगी। तो यहाँ पे सारा मटीरियल डिपॉजिट है कोर्सर, सो इफ देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कोर्सर मटीरियल इट लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ ग्रेडेड रिवर। तो ये मटीरियल की डिपोजिशन हो रखी है। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज ग्रेडेड रिवर। एग्रेडिंग रिवर क्या होती है? एग्रेडिंग रिवर वो होती है जो कलेक्ट करते हैं सेडिमेंट्स को और आगे बिल्डअप कर देती है बेड की। तो इसका मतलब स्लोप क्या करती जाती है? बढ़ती जाती है। एक में एग्रेडिंग में क्या होता है? स्लोप बढ़ती जाती है, डिग्रेडिंग में स्लोप कम होती जाती है। इरिगेशन का प्रॉब्लम है मतलब। चलो नेक्स्ट, किसका आ गया? सर्वेइंग का आ गया। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द बैंड चेन ऑफ द रिबन ऑफ द स्टील, बैंड चेन कौन कौन सी चेन होती है? एक मीट्रिक चेन होती है हमारे पास, दूसरी होती है स्टील चेन। बैंड चेन का मतलब क्या होता है? स्टील चेन, तो बैंड चेन बोल दो, स्टील चेन बोल दो। इसके बाद होती है हमारे पास गंटर्स चेन, या जिसको हम बोलते हैं सर्वेयर्स चेन। फिर होती है इंजीनियर्स चेन, और एक होती है हमारे पास रेवेन्यू चेंज। तो जो हमारी स्टील चेन होती है, इसकी इसने क्या पूछी हुई है? विड्थ पूछी हुई है। तो स्टील चेन की जो विड्थ होती है 12 से लेके 16 mm के बीच में, दिस इज द विड्थ। इसकी थिकनेस रखी जाती है 0.3 से लेके 0.6 mm के बीच में। थिकनेस इज केप्ट इन द रेंज ऑफ 0.3 to 0.6 mm। तो ये क्या निकल के आ गई? इसकी डायमेंशंस निकल के आ गए, दीज आर दी डायमेंशंस। तो ये पूछा था इसने आपसे, दिस वाज बीइंग आस्क्ड। लंबाई कितनी होती है इसकी? 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। तो लेंथ की बात करोगे 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर के बीच में मिलेगी आप। तो ये डायमेंशंस है, क्या पूछा? मैक्सिमम विड्थ ऑफ द बैंड चेन, मैक्सिमम विड्थ कितनी आ गई? सो मैक्सिमम विड्थ कम्स आउट टू बी 16 mm। तो डेटा बेस्ड सवाल है, द प्रॉब्लम इज डेटा बेस्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द स्लो सैंड फिल्टर, कौन सी बात गलत है स्लो सैंड फिल्टर के लिए? कॉगुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्लो सैंड फिल्टर, कॉगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है स्लो सैंड फिल्टर के लिए। सही बात है। इन स्लो सैंड फिल्टर हेड लॉस इज इनिशियल 15 से लेकर 100 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इनिशियल 100 सेंटीमीटर फाइनल। सही है ये बात भी। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज 3000 to 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। गलत है ये, तो किसका दे रखा है इसने? ये तो रैपिड सैंड फिल्टर का होता है। ये जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दे रखी है तो किसकी दे रखी है? रैपिड सैंड फिल्टर की दे रखी है। स्लो सैंड फिल्टर की तो कितनी होती है? स्लो सैंड फिल्टर की कितनी होती है? हंड्रेड टू 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। चलो नेक्स्ट, मेथड ऑफ क्लीनिंग ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर इज स्क्रैपिंग ऑफ द
method of cleaning of rapid sand filter is scraping of the top of the layer. Method of cleaning of rapid sand filter, ये भी गलत है. तो D is also the answer. Rapid sand filter तो कैसे करते हो? Back washing से clean करते हो. पर इसने आंसर क्या मांगा है? इनकरेक्ट फॉर स्लो सैंड फिल्टर. ये भी गलत है, ये भी गलत है. तो मेरा आंसर ये हो जाएगा. उसने सवाल क्या पूछा है? कौन सी बात इनकरेक्ट है स्लो सैंड फिल्टर के लिए? डी वाली बात किसके लिए गलत है? डी वाली बात किसके लिए गलत है? डी वाली बात तो रैपिड सैंड फिल्टर के लिए गलत है. उसने बोला कौन सी बात गलत है स्लो सैंड फिल्टर के लिए. तो आंसर हमारा सही हो जाएगा. क्लियर है पूरी कहानी? चलो, द एरिया ऑफ अ सर्टन डिस्ट्रिक्ट इज 14,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड देर आर 15 टाउन्स एज पर 1981 सेंसस. व्हाट द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे रिस्पेक्टिवली. ये तो कल भी आया था. 1981 सेंसस मतलब कौन सा सेंसस हो गया? लखनऊ हो गया. लखनऊ के हिसाब से लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कितनी होती है? एरिया डिवाइड बाय 50. और स्टेट हाईवे कितना होता है? एरिया डिवाइड बाय 25. और टाउन भी है तो 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स. तो ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे. इन दोनों में से जो भी वैल्यू क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, वॉट एवर कम्स आउट टू मैक्सिमम. तो ए बाय 50 तो कितना हुआ? 14,000 डिवाइड बाय 50 कितनी आ रही है? व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट? 280. 280 स्टेट हाईवे की कितनी आ रही है? डिवाइड बाय 25 इसका दुगना हो जाएगा. 560. तो 560 एक. दूसरा 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स. नंबर ऑफ टाउन्स माइनस 280. जरा ये कैलकुलेट करना कितना आ रहा है. ये दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है? 62.5 इंटू 15 माइनस 280. दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? सिक्स फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव मीटर. दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है? ये मैक्सिमम है. तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया हमारा ये. आंसर कम्स आउट टू बी ये. क्लियर है प्रॉब्लम? चले आगे. चलो आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू. कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 मीटर एंड 16 mm डायमीटर स्टील रॉड. यूनिट वेट ऑफ द स्टील इज 7850. यूनिट वेट दे रखा है और साइज दे रखी है. वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, वेट निकल के आ जाएगा. सो वेट विल बी, वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होती है हमारे पास, वी हैव द स्टैंडर्ड रिजल्ट, बट स्टिल जिनको नहीं पता, 7850 इंटू वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 1. कैलकुलेट कर दीजिए. तो एक तो ये है और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है डी स्क्वायर बाय 162. बता रखा है वो एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अंदर. तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में डिस्कस किया हुआ है. तो 16 डिवाइड बाय 162. सो 16 स्क्वायर बाय 162. जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, एज पर योर कन्वीनियंस यूज. एनी कितनी वैल्यू आ रही है? सी 1.58. क्लियर है? चलो आ गया. नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट स्लीपर इंडेक्स, सी एस आई इज ए मेजर. ये तो अभी रेलवे का कोर्स कराया है. क्या बताता है हमें?
टफनेस एंड वेयर रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ एंड टफनेस, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, इट इंडिकेट्स द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ. तो सी एस आई इज यूज टू इंडिकेट वॉट, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर सेक्शन जिसको आपने यूज कर रखा है. तो इट इंडिकेट्स द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, सी आंसर. चलो आगे बढ़ते हैं. रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ इज द लॉ इन विच मॉडल्स आर बेस्ड ऑन. रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, अच्छा, इज द लॉ इन विच द मॉडल्स आर बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है? रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर. ये क्या सवाल हुआ? रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ बेस्ड किसके ऊपर होगा? रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर होगा. ये भी कोई सवाल है पूछने वाला? चलिए आगे बढ़ते हैं. इन कोर कटर टेस्ट द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज टेकन इक्वल टू, अच्छा कोर कटर टेस्ट, बल्क डेंसिटी निकालनी है सॉइल की, टू द एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द डॉली. डॉली तो हम क्या करते हैं, रखते हैं हमारे कटर के ऊपर उसको इंसर्ट कराने के लिए. एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द कटर नहीं, इट इज इक्वल टू द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द कटर. तो जो वॉल्यूम हम लेके चलते हैं वो किसके बराबर लेके चलते हैं? इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द कटर कितना होता है? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. इसके ऊपर डॉली रखा जाता है, उसके ऊपर फिर इम्पैक्ट लगाई जाती है, देन द इम्पैक्ट इज अप्लाइड. सो इट इज इक्वल टू द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द, सॉरी, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द कटर. सो आंसर इज डी. सो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ कटर के बराबर होती है वैल्यू. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. द मिनिमम लेंथ ऑफ द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइडेड इन द हिल रोड्स. द मिनिमम लेंथ ऑफ द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइडेड इन द हिल रोड इज, आईएसडी की वैल्यू कितनी होती है? ट्वाइस ऑफ शॉपिंग साइड डिस्टेंस. मिनिमम वैल्यू कितनी रखी जाती है? सो ट्वाइस ऑफ शॉपिंग साइड डिस्टेंस. सो इट इज द साइड डिस्टेंस प्रोवाइडेड ओनली व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड व्हाट? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. सो जब हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करते उस कंडीशन में क्या प्रोवाइड की जाती है? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है. इसके मिनिमम वैल्यू है ट्वाइस ऑफ शॉपिंग साइड डिस्टेंस. द स्ट्रेंथ ऑफ द जंप इज कमांडेड बाय. स्ट्रेंथ ऑफ द जंप, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी, फ्राउड्स नंबर, बेड स्लोप, अपस्ट्रीम वेलोसिटी. इट इज कमांडेड बाय व्हाट? फ्राउड्स नंबर. अलग अलग तरह की जंप बताई हुई है आपको फ्राउड्स नंबर के बिहाफ पे. लेस देन वन है, 1 to 1.7 है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंप्स वी हैव डिस्कस्ड. 1 to 1.7, 1.7 to 2.5, 2.5 to 4.5, 4.5 to 9, ग्रेटर देन 9. तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? फ्राउड्स नंबर के ऊपर. इम्पॉसिबल जंप है, फिर अंड्यूलर जंप है, फिर वीक जंप है, ऑक्सीलेटिंग जंप है, स्टडी जंप है, स्ट्रॉन्ग या चौपी जंप है. तो जो स्ट्रेंथ है जंप की वो किसके ऊपर डिपेंड कर जाती है? फ्राउड्स नंबर के ऊपर डिपेंड कर जाती है. इट डिपेंड्स अपॉन द फ्राउड्स नंबर. चलो Which level of managers is responsible for setting the goal of the company and defining the vision and mission of the organization? ये पिछले पेपर में भी आया था. तीन तरह के मैनेजर बताए थे आपको. थ्री टाइम्स ऑफ मैनेजर्स वी हैव डिस्कस. फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजर के ऊपर सवाल आया था. तो टॉप मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, फिर फंक्शनल मैनेजर, फिर सुपरवाइजरी या टीम मैनेजर. तो बोलता है कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल है पूरी कंपनी के गोल डिसाइड करने के लिए? जो टॉप लेवल का मैनेजर है. तो टॉप मैनेजर और एग्जीक्यूटिव मैनेजर. फिर इसके बाद क्या बताया था आपको? फंक्शनल मैनेजर जो स्पेशलाइज होते हैं पर्टिकुलर एरिया के लिए. जैसे फाइनेंस के लिए अलग मैनेजर होगा, मार्केटिंग के लिए अलग मैनेजर होगा, एचआर के लिए अलग मैनेजर होंगे, और उसके नीचे फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजर्स होंगे. उसको हम फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजर्स बोल देते हैं. और उनके सामने कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? जो शॉर्ट रेंज प्रॉब्लम्स आती है वही आती है. तो इसको पहले भी कहीं डिस्कस किया था. चलो आगे बढ़ते हैं. इन आरसीसी मेंबर इफ अ बीम इज ओवर रिइंफोर्स्ड एंड लोडेड अप टू द डिस्ट्रक्शन, द फेलियर
विल अकर ड्यू टू, फेलियर किसकी वजह से होता है? फेलियर टेक्स प्लेस ड्यू टू क्रशिंग ऑफ द कॉन्क्रीट. सो बकलिंग, क्रैक्स, श्रिंकेज ऑफ द कॉन्क्रीट, लास्ट में क्या है? क्रशिंग ऑफ द कॉन्क्रीट. तो ब्रिटल फेलियर होती है. सो ब्रिटल फेलियर विल टेक प्लेस, इट इज ड्यू टू क्रशिंग ऑफ द कॉन्क्रीट. प्रिंसिपल प्लेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ शियर कंप्रेसिव नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस. प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं? प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होते हैं जिन पे सिर्फ क्या लगे? नॉर्मल स्ट्रेसेस लगे. तो नॉर्मल टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी होता है. क्या नहीं होगा इस पे? शियर स्ट्रेस नहीं होगा. इट विल फ्री फ्रॉम द शियर स्ट्रेसेस. What is IS code of practice of water supply in the buildings? न्यूमेरिकल करवा दो जे के एस एस. ये देखो नई फरमाइश, न्यूमेरिकल करा दो. मतलब मैं इतना वेला हूँ, पेपर में बैठ बैठ के न्यूमेरिकल निकालूँ. पूरा पेपर करा रहा हूँ, मुझे तसल्ली नहीं है. पहले पेपर करा दो. पेपर करा रहा हूँ तो पेपर में न्यूमेरिकल करा दो. IS code of practice for water supply in the building. होना जाना कुछ भी नहीं है इनसे, होना जाना कुछ भी नहीं है. वन वन सेवन टू टू जीरो सिक्स फाइव. तो अगर बात करें इन सारे कोड्स की, 1172 डील्स विद व्हाट? ये डील करता है, तो बहुत बार आ गया है, सप्लाई, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन. देन 2065 डील्स विद व्हाट? 2065 डील करता है किसके लिए? फॉर वाटर सप्लाई. सो डील्स विद वाटर सप्लाई. सो वाटर सप्लाई इन बिल्डिंग्स. सो डील्स विद वाटर सप्लाई इन बिल्डिंग्स. तो आंसर तो हमारा यही हो गया. IS 800 किसका है? स्टील्स का है, स्टील स्ट्रक्चर. 383 किसका है? 383 है कोर्स एग्रीगेट का. सो कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट. सो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट. तो ये चारों कोड निकल के आ गए. सो दीज आर दी फोर कोड्स. ये चार कोड्स हैं हमारे. ये कोड बहुत बार आया है, इसको इसको तो ध्यान रखना ही. कम से कम जो PYQs में कोड आए हैं वो रिपीटेड कोड है. तो जो आप यूज करते रहते हो वो तो ठीक है, जो नहीं यूज करते हो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको. मतलब जो इतने पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर मतलब जो आपके कोर्स में बहुत कम आते हैं, उनके ऊपर सवाल पूछे हुए उसमें. ओवर देयर द प्रॉब्लम्स आर बीइंग आस्क्ड. नेक्स्ट, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्लो सेंट फिल्टर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय जॉन गिब एट पेसली इन स्कॉटलैंड इन द ईयर. हमें क्या पता तो पहला स्लो सेंट फिल्टर कब बनाया होगा? कुछ भी. स्लो सेंट फिल्टर के बारे में पूछ लेता कुछ. बोल रहा है स्लो सेंट फिल्टर बनाया जॉन किप ने स्कॉटलैंड के अंदर कौन से साल में? बहुत बढ़िया, देख लेना भैया कौन सा साल था ये, कौन से साल में इसने एक्सपेरिमेंट किया. ये भी नहीं बोला एक्सपेरिमेंट कब किया, पहला एक्सपेरिमेंट कब किया इसने. The width of the carriageway of two lanes without raised curb. दो लेन की width और raised curb नहीं है, तो raised curb नहीं है इसका मतलब कितनी आएगी? So without raised curb it will be 7 meter. तो single lane की कितनी होती है? Single lane की 3.75. Two lane की without raised curb 7 meter, with raised curb 7.5 meter. अगर intermediate carriageway होता है तो 5.5 meter. मल्टी लेन पेमेंट होती है तो 3.5 मीटर.
इफ इट इज मल्टी लेन तो 3.5 मीटर, ये आपको अलग अलग बता दिया। तो सिंगल लेन, टू लेन विदाउट रेस कर्व, टू लेन विद रेस कर्व, इंटरमीडिएट लेन एंड दिस इज मल्टी लेन पेमेंट। ये हमारी मल्टी लेन पेमेंट है 3.5 मीटर की। ठीक है, डैश एग्रीगेट्स प्रोवाइड गुड ड्यूरेबिलिटी टू द कॉन्क्रीट। ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी मतलब अच्छा ड्यूरेबल है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एग्रीगेट्स प्रोवाइड। फ्रिक्शन एग्रीगेट क्या होता है भाई? प्लास्टिक एग्रीगेट नहीं भैया, टूट जाएंगे। इनलास्टिक एग्रीगेट, भैया प्लास्टिक बोल दो इनलास्टिक बोल दो, एक ही बात है। आ गया डायरेक्टली आंसर आ गया, इलास्टिक एग्रीगेट ऑप्शन से ही निकल के आ गया। फ्रॉम दी ऑप्शन ओनली वी कैन से। तो बोल रहा है कौन से एग्रीगेट अच्छी ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, मोर ड्यूरेबल। तो इलास्टिक एग्रीगेट अच्छी ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, प्लास्टिक या इनलास्टिक होगा ब्रेक कर जाएगा वो, इट विल बी लेस ड्यूरेबल। फ्रिक्शन एग्रीगेट नाम की कोई चीज नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशनल ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट द फेसेस इफ द डेप्थ ऑफ द मेंबर सब्जेक्टेड टू द टॉर्शन एक्सीड्स। अच्छा टॉर्शन भी है, ध्यान रखना। तो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, एडिशनल ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट दिया आपने फेस के ऊपर, अगर डेप्थ एक्सीड कर जाती है किसको, 450 mm को, इफ इट एक्सीड्स 450 mm। अगर यहीं पर ही टॉर्शन नहीं होता तो वैल्यू कितनी हो जाती? इफ द टॉर्शन वुड हैव बीन नॉट गिवन तब रिजल्ट क्या होता? तब 750 mm हो जाती, 750 mm। सो द टॉर्शन वुड हैव बीन नॉट प्रोवाइडेड देन द रिजल्ट वुड हैव बीन 750 mm। उस केस में 750 mm होता। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यूजिंग द प्लिंथ एरिया मेथड एंड व्हेन द प्लिंथ एरिया एंड प्लिंथ एरिया रेट ऑफ द प्लॉट इज 10 m² एंड 1000 per m². अच्छा प्लिंथ एरिया मेथड एस्टिमेशन कॉस्टिंग। तो फिर से सवाल किसका है? एस्टिमेशन कॉस्टिंग का है। आपको प्लिंथ एरिया दे रखा है और प्लिंथ एरिया की रेट दे रखी है 1000 पे per m² है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 10 × 1000 तो 10,000। तो इट इज 10,000 rupees। सिंपल सा तरीका है। अ प्लान और मैप रिप्रेजेंट्स। अच्छा प्लान और मैप क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एरिया ऑन द कर्व्ड प्लेन, एरिया ऑन द वर्टिकल प्लेन, एरिया ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। सेम है, देखो प्लान और मैप बेसिकली दोनों सेम है पर दोनों में फर्क भी बहुत ज्यादा होता है। ये दोनों क्या बताते हैं? एरिया बताते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। जो प्लान होता है वो लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, जैसे प्लान होगा आपके घर का, किसी बिल्डिंग का। जो मैप होता है उसको छोटी स्केल पे बनाया जाता है, तो टोपोग्राफिक मैप बनेगा, पूरे शहर का बन जाएगा, आपको पूरे शहर का मैप मिलेगा। तो आपको अपने घर घर का प्लान मिलेगा, पूरे शहर का क्या मिलेगा? मैप मिलेगा। होते दोनों ही क्या है? एरिया ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो स्केल का फर्क होता है, प्लान मिलेगा घर का, प्लान मिलेगा ब्रिज का, पर मैप होगा किसका? पूरे शहर का, पूरे एरिया का मैप होता है। दोनों ही क्या बताते हैं हमें? एरिया ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स मेक्स ग्रेट एफर्ट टू मेजर द क्वालिटी फॉर नियर परफेक्शन। अच्छा तो कौन सी टेक्निक मेक्स एफर्ट टू मेजर द क्वालिटी फॉर नियर परफेक्शन? ओके, डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सिक्स सिग्मा,
बेंचमार्किंग कंट्रोल चार्ट, सिक्स सिग्मा टेक्निक है। तो ये मैनेजमेंट टेक्निक होती है, क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसमें जो एरर है उसको रिड्यूस कर देते हैं जीरो पे, जीरो डिफेक्ट होना चाहिए। सो इन सिक्स सिग्मा टेक्निक इट्स अ क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें डिफेक्ट जीरो होने चाहिए। तो कस्टमर परफेक्शन निकल के आनी चाहिए पूरी यहाँ पे। तो हमारा पार्ट नहीं है, हमें नहीं कराई जाती, कंपनी में जाओगे तब मिलेगा आपको ये। जब कंपनी में जाके काम करोगे तब आपको सिक्स सिग्मा बताएंगे वो। मोर ओवर हमारे कोई मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स हैं नहीं जिसमें लगती है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेइंग, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वेइंग का? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग पेपर क्लियर करना। सो मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स, लेवलिंग, फिक्सिंग बाउंड्रीज, प्रिपरेशन ऑफ द प्लान और मैप। सो प्रिपरेशन ऑफ द प्लान और मैप, तो प्लान और मैप बनाना। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मैप और प्लान बनाना किसी भी चीज का। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? सिंपल सी चीज है ये। तो किसी भी चीज की पोजीशन मार्क करना। Continuity equation and Bernoulli's equations are based on the laws of continuity equation, conservation of what? Mass. Bernoulli's equation, conservation of energy. अब तो सिंपल सिंपल से सवाल है सारे। मास एंड सॉरी मास एंड एनर्जी। मोमेंटम में तो मोमेंटम इक्वेशन होती है। सो मास एंड एनर्जी। The percentage of magnesia is allowed in the ordinary Portland cement. कितनी magnesia allowed है? ये last में आपको ingredients बताए जाते हैं कि ratio of percentage of alumina to that of iron oxide, magnesia, alkali content, loss on ignition, chloride content, उसमें लिखा जाता है magnesia किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक फैक्टर बताया जाता है लाइम सेचुरेशन फैक्टर, वन फैक्टर लाइम सेचुरेशन फैक्टर इज आल्सो गिवन टू यू। तो मैग्नीशिया शुड नॉट बी मोर देन 6%। क्या दिक्कत क्रिएट करता है ये? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनसाउंडनेस। ये अनसाउंडनेस कराता है सीमेंट के अंदर। Two equal forces are acting on a particle if the particle has to remain in equilibrium, the angle in degrees. Net force क्या होना चाहिए? Zero होना चाहिए। तो दोनों के बीच का angle कितना हो? 180 degree हो। तो दो force लग रहे हैं, member आपका equilibrium में तभी होगा जब दोनों के बीच का angle क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। सिंपल सवाल था ये, तो कंपैरेटिवली सिंपल प्रॉब्लम। The ratio of the square root of the inertia force to the surface tension force, the ratio of the square root of the inertia force to the surface tension force is known as surface tension Weber's number. Inertial force कितना dominating है viscous force के ऊपर, इसको बोला जाता है Weber's number, Froude's number. Ratio of inertial force to the gravity force, Euler's number. Ratio of inertial force to the what? ठीक है। सो कैविटेशन स्टडी करते हैं यूलर से। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर डील्स विद व्हाट? विस्कस फोर्स, इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स। यूलर्स नंबर में प्रेशर आ जाएगा, इनर्शियल फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। ठीक है।
हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज? लेटन, विलियम बेंटिक, कर्जोन, डलाउजी। डी एस का आंसर। फिर से जीएस का सवाल है, ये आपका हिस्ट्री होगी रेलवे की, उसके बारे में पूछा हुआ है इसमें। सो लॉर्ड डलाउजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी सवाल कर लिया, 70 सवाल, 70 मतलब 40 से 70, 30 सवाल हो गए, 40 प्रॉब्लम्स, 30 प्रॉब्लम्स यू हैव डन, गुड, 30, 35 कर लेते हैं, बहुत है आज। अ लैडर नेटवर्क इज यूजफुल इन द केस ऑफ वर्क। लैडर नेटवर्क मैंने आपको पार्ट सी पे में करा रखा है, आई हैव डिस्कस दिस इन पार्ट सी पे में। लैडर नेटवर्क कब की जाती है? लैडर नेटवर्क तब यूज करते हो जब एक ही काम में टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लग रहा है, तो उसकी वजह से बाकी काम डिले हो जाते हैं, तो उसमें हम लैडर नेटवर्क बनाते हैं। जैसे एग्जांपल, रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट के बाद हमारी क्या होगी? रीइंफोर्समेंट के बाद होगी हमारी कॉन्क्रीटिंग। अब रीइंफोर्समेंट होने में लग रहा है लेट सपोज 3 दिन लग रहे हैं, 3 दिन, और हमारी फिर कॉन्क्रीटिंग होने में लग रहा है लेट सपोज 1 डे। तो जब तक आप 3 दिन तक रीइंफोर्समेंट नहीं लगाओगे, तब तक 1 दिन के बाद कॉन्क्रीटिंग नहीं होगी आपकी। तो फिर करते क्या है, रीइंफोर्समेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो इसको 3 टुकड़ों में बांट दो, तो रिपीटेटिव काम है आपका, तो इसका मतलब 1 दिन में आपने रीइंफोर्समेंट करी और इस पोर्शन की कॉन्क्रीटिंग भी कर दोगे आप। फिर दूसरे दिन में आपने बचे हुए पोर्शन की रीइंफोर्समेंट करी, फिर आप इसकी भी कॉन्क्रीटिंग कर दोगे। फिर तीसरे दिन में आपने बचे हुए पोर्शन की रीइंफोर्समेंट करी और इसकी भी कॉन्क्रीटिंग करोगे। अगर आपको तीनों पोर्शन की कॉन्क्रीटिंग करने में 1 दिन लग रहा था, लास्ट में क्या हो रहा है? लास्ट में आपको लग रहा है 3 डेज प्लस 1/3 डे टाइम बच गया हमारा, तो यहां पर लग रहे थे हमारे 4 दिन, यहां पे लग रहे हैं 3 दिन, 3.33 डेज, तो टाइम कम हो जाता है। तो अगर रिपीटेटिव काम होता है उसके लिए हम लैडर नेटवर्क बनाते हैं, और लैडर नेटवर्क में काम करने का टाइम कंपेरेटिवली रिड्यूस हो जाता है, टाइम इज कंपेरेटिवली रिड्यूस्ड। इसके खूब सारे नेटवर्क बनवाए भी है मैंने, आई हैव डिस्कस सेवरल नेटवर्क्स ऑन दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट इज इनकरेक्ट? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ए बी सी इज मोर लाइकली टू एंड अप विद अ बिग डिफरेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल प्राइसिंग सिस्टम। ए बी सी क्या होती है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, नाम में लिखा हुआ है। हर एक्टिविटी की अलग अलग कॉस्ट निकालो और उसको जोड़ दो, आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट। तो ए बी सी इज मोर लाइकली टू एंड अप विद अ बिग डिफरेंस फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्राइसिंग सिस्टम इफ द कंपनी प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ मेनी। गलत बात, यही आंसर है। ए बी सी इज बेनिफिशियल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, आप हर एक्टिविटी की अलग कॉस्ट जोड़ो, टोटल कॉस्ट निकाल लो, तो फॉर एवरी एक्टिविटी कॉस्ट विल बी एनालाइज, इट विल बी एडेड, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट, आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ए बी सी डिफर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्राइसिंग सिस्टम इज दैट द प्रोडक्ट्स आर नॉट स्प्लिट बिटवीन देम। बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। इन ए बी सी कॉस्ट ड्राइवर्स आर वॉट कॉजेज द कॉस्ट टू बी इनकर्ड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो कॉस्ट ड्राइवर वो होते हैं जो कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे मटीरियल उसकी कॉस्टिंग है, लेबर उसकी अलग कॉस्टिंग है, इक्विपमेंट उसकी अलग कॉस्टिंग है, तो सबकी कॉस्ट अलग अलग निकालोगे आप, यू विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी सेपरेटली, तो डिफरेंस ज्यादा नहीं निकल के आता, डिफरेंस बहुत ही कम निकल के आता है दोनों में। कैलकुलेट कीजिए। इफ वी इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड ईटा इज द पोरोसिटी देन द सीपेज, ये तो अभी पहले भी आया था कभी, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? सीपेज वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी बाय पोरोसिटी, तो सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बाय पोरोसिटी। नेक्स्ट, एक ही पेपर में 2 बार। हाँ, शेयर रीइन्फोर्समेंट स्पेसिंग इज गिवन बाय, शेयर रीइन्फोर्समेंट स्पेसिंग ए एस बी अपॉन बी एस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 एफ आई, दिस इज द रिलेशनशिप।
एस वी की वैल्यू कितनी आ गई? एस वी की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू ए एस वी इंटू 0.87 FY अपॉन 0.4 × B. सो आंसर कम्स आउट टू बी वॉट? डी. आंसर डी आ गया हमारा. कल आपका ये पेपर खत्म हो जाएगा, टुमारो आई विल फिनिश ऑफ दिस पेपर. तो मैंने काफी पेपर करा दिए आपको, तीन तो जेई के पेपर करा दिए, एक ए का पेपर करा दिया है, तो सफिशिएंट है. सो सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉब्लम्स आई हैव डिस्कस्ड, टुमारो आई विल वाइंड अप विद योर पीवाईक्यूज. कल आपके ये पीवाईक्यूज वाइंड अप हो जाएंगे, नो मोर पीवाईक्यूज विल बी डन आफ्टर दिस. चलो आगे बढ़ते हैं. अ बीकर कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ एच बाय थ्री. फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर. सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होती है? एच पी इक्वल्स टू एच बाय थ्री, सॉरी 2/3. तो 2/3 ऑफ एच, सो 2/3 ऑफ एच. और एच कितना दे रखा है आपको? एच बाय थ्री दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? 2/9 H. सो आंसर इज डी. सो आंसर कम्स आउट टू बी डी. चलो आगे बढ़ते हैं. The actual penetration of the penetrometer, the actual penetration of the penetrometer needle of the bitumen of grade 30/40. Penetration value क्या होती है? It is the measure of the hardness or consistency of the bituminous material. तो penetration value हमें hardness या consistency बताती है. It is equal to what? It is the vertical distance traversed or penetrated by the point of the standard needle. इसका weight होता है 100 ग्राम का, तो कितना penetrate कर जाती है? टेम्परेचर रखा जाता है 27 डिग्री सेल्सियस. तो और वैल्यू कैसे होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1/10 of the mm. सो 1/10 of the mm, सो 30 है तो 30/10 तो 3 mm, और 40 है तो 40/10, इसका मतलब क्या हुआ? 4 mm. तो कितनी दूरी चली है निकाल लो, कितनी डिस्टेंस चली है. सो 1/10 of mm में रिपोर्ट करते हैं इसको. सो 3 mm टू 4 mm, तो 3 mm से लेकर 4 mm के बीच में. चलो लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे. 35 प्रॉब्लम्स कर लिया, 35 और बचे हुए हैं. नहीं, 45 बचे हुए, वो कल कर लेंगे. फॉर सर्विसबिलिटी लिमिट स्टेट्स व्हाट इज द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कॉन्क्रीट. लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? 1 है. इट इज इक्वल टू 1. 0.8 भी होता है, इट इज 0.8 ऑल्सो, पर वो कंडीशन तो दे नहीं रखी है आपको. सो इन सम केसेज इट इज 0.8 ऑल्सो, दैट इज नॉट गिवन. तो वो गिवन नहीं है, तो वो गिवन नहीं है तो उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं. That we are not considering, so that is not being considered. Clear? चलो 80 आज कर लेते हैं. Take 5 more problems. 5 सवाल और कर लेते हैं. Which of the following technique is not a demand forecasting method? So which of the following technique is not a demand forecasting method? इसमें से कौन सी टेक्निक डिमांड फोरकास्टिंग मेथड नहीं है? रोलिंग एवरेज मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड, वेटेड एवरेज मूविंग मेथड. सीपीएम इज नॉट द डिमांड फोरकास्टिंग मेथड. सीपीएम का कोई नहीं, जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है, जैसे थी टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो डिमांड फोरकास्टिंग थोड़ी करते हैं इससे. ठीक है. पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ द बिटुमन इज एक्सप्रेस्ड एज. सेम प्रॉब्लम, दूसरा सवाल, अभी बताया पीछे 1/10 of mm.
पेनिट्रेशन वैल्यू कैसे रिपोर्ट की जाती है, 1/10 of mm रिपोर्ट की जाती है। अभी पीछे बताया सेम वही सवाल पूछ लिया वापस, क्या सेंस है इस चीज़ का। अब एक ही चीज़ को रिपीटेडली पूछे जा रहा है, या तो फालतू के सवाल पूछ रहा है या एक ही चीज़ को बार बार पूछे जा रहा है। द पोरोसिटी ऑफ अ गिवन सॉइल सैंपल इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ, अच्छा पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज पोरोसिटी। अब ये सवाल पूछ रहा है, बढ़िया ऐसे सवाल पूछ रहा था। नेक्स्ट 80th प्रॉब्लम क्या पूछा हुआ है, फॉर द गिवन लिस्ट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज प्रेसिडेंस रिलेशनशिप इज गिवन, फाइंड द क्रिटिकल पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट। क्रिटिकल पाथ के लिए क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा पहले तो प्रोजेक्ट, इसको साइड में किसका आया, पी और क्यू का कोई प्रेडेसर नहीं है, तो पी और क्यू का कोई प्रेडेसर नहीं है, ठीक है अच्छी बात है। आर का है पी प्रेडेसर, तो आर का है पी, एस का है क्यू, एस का है क्यू, टी का है आर और एस, टी का है आर और एस, तो टी का प्रोडेसर है आर और एस, यू का भी आर और एस, तो यू का भी आर और एस। मेरे ख्याल से ये सवाल भी पहले किया हुआ है, दिस इज ऑल्सो वी हैव डन अर्लियर। वी का है टी, नहीं ये नहीं कर रखा, वी का है टी और W का है U, W का है U, ये लो बना दिया। जैसे जी नेटवर्क, ये नेटवर्क निकल के आ गया, नेटवर्क निकल के आ गया, टाइम डालो, T का 3, Q का 4, R का 5, S का 5, देन U का 5, T का 7, W का 2, नहीं W का 10, गलत डाल दिया, W का 10, देन V का 2, सो W का 10, V का 2, यही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। टाइम निकालो अब, तो टाइम, टाइम से भी काम नहीं बनेगा मेरे को, तो क्या निकालना पड़ेगा, स्लैक निकालना पड़ेगा, सारे टाइम निकालने पड़ेंगे, 0, 3, 8, 4, 9, दिस इज 14, दिस इज 16, 18, 24, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, अर्लीस्ट टाइम सारे सही है, समबडी क्रॉस वेरीफाइज, अर्लीस्ट टाइम सही है, 24, 22, 14, 9, दिस इज 4, 9 माइनस, नहीं 22 माइनस 7, 9, सो 9 माइनस 0, 9, 9 माइनस 5, 4, 4 माइनस 4, 31 डेज आ रहा है, अंकित गुप्ता बोल रहा है 31 डेज आ रहा है, या क्रॉस वेरीफाई कर लेना, 31 डेज आ रही है क्या, मेरे को तो नहीं लग रहा 31 डेज आ रही है, सो 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 0 और 4 माइनस 3, माइनस 1, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, 24 ही आ रहा है ना, सो 24 ही आ रहा है, 10, 22, यहाँ से 9, 9, 9, मिनिमम ये है 14 माइनस 5, 22 माइनस 7, ठीक है, सो नाउ व्हाट कैन बी कंप्यूटेड, क्या निकाल सकते हो आप, अब स्लैक निकाल लो, स्लैक ये है 0 हमारा, सो स्लैक इज 0, देख लेना कहीं टाइम कुछ गलत नहीं लिखा हो मैंने, पी का 3, क्यू का 4, आर और एस का 5, 5, ठीक है, तो S हमारी क्रिटिकल हो गई और U हमारी क्रिटिकल हो गई, W हमारी क्रिटिकल हो गई, S U भी क्रिटिकल हो गई, 24 डेज है सर जी, ठीक है 24 डेज ही आ रहा है,
सो 24 डेज इज क्रिटिकल, तो साथ में क्यू भी क्रिटिकल है. क्यू क्रिटिकल नहीं है, क्यू सुपर क्रिटिकल है. क्यू क्रिटिकल नहीं है, क्यू तो हमारी सुपर क्रिटिकल है. इट इज सुपर क्रिटिकल. तो टी का है आर और एस. ठीक है, टी का प्रोड्यूसर है आर और एस. एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, यही आ रहा है नहीं आ रहा. सही है, तो एक सुपर क्रिटिकल आ रही है, बाकी सारे क्रिटिकल आ रहे हैं, तो क्रिटिकल पाथ तो हम यही मार्क करेंगे. सो आंसर इज डी, क्यू एस यू यू डब्ल्यू. क्रॉस चेक की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना बस एक बार टाइम की. सही है कैलकुलेशन. सो कैलकुलेशन इज करेक्ट. ठीक है फिर, सफिशिएंट है आज के लिए इतना. रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो, फिर कल करते हैं बाद में. टुमारो आई विल फिनिश अप विद दिस पेपर. कल मैं ये पेपर खत्म कर दूंगा. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल. थैंक यू एवरीवन.